हाँ जी, जो तो आपका जो आत्मा है ब्रह्म जन्म तो राजा बनने वाली आत्मा है, लेकिन जो सप्त पिता जी में शिखर नारायण था, सत्य नारायण खर नारायण ये नारायण होगा वो तो दापुर कलयुग में तो राजा बनेंगे। दापुर कलयुग में क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, राधा राजा राजा तो बनेंगे। हाँ, लेकिन वो तो 108 का दाम का मन का नहीं है। वो कौन? जो सप्त जी के शिखर नारायण थार नारायण पुत्र नारायण सार नारायण है, मन का नहीं है। जो भी 108 की माला है वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है या निवृत्ति मार्ग की है? तो प्रवृत्ति मार्ग की माला कब बनेगी? सिर्फ राजा ही राजाएं होंगे क्या? रानियां नहीं होंगी? रानियां तो होंगी। हाँ, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग होगा तो दोनों का पूरा पक्का होगा। पक्का होगा, लेकिन वो दूसरे धर्म के राजा ही बनते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ भी कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अनेक जन्मों में उस धर्म में रहेंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो अनेक जन्म कन्वर्ट होकर के नहीं रहते हैं। राजा तो बनते हैं ना? राजाएं बनते हैं, दूसरे धर्म के राजाएं बनते हैं। तो भारत की राजा नहीं बनेंगे? भारत के भी राजाएं बनते हैं, लेकिन भारत में भी सब धर्मों का राज्य चला है। गिरति कला के राजाएं बनते हैं, जैसे मुगल सल्तनत हुई तो मुगल राज्य में पहला राजा कौन हुआ? बाबर। वो कौन हुआ? राम बाप वाली आत्मा जो देह अभिमानी मनुष्यों का बाप है, वो जाकर के मुगल संतनत तैयार करता है और मुगलों को बादशाही मिलती है। परंतु वो तो पहला राजा सत्व प्रधान स्टेज का हुआ या तामसी स्टेज का हुआ? मुगल संतनत का सत्व प्रधान स्टेज का पहला राजा हुआ, और बाकी जो बनेंगे वो उतरती कला के बनेंगे या चढ़ती कला के बनेंगे? उतरती कला के, जैसे यहाँ उतरती कला के बनते हैं सत्युग में, वैसे वहाँ भी उतरती कला के राजा बनेंगे। लेकिन बाबा वो तो जो बाप से जो पढ़ाई है वो तो बाप से पढ़ाई नहीं करते ना? द्वापर युग में थोड़ी बाप की पढ़ाई चलती है। द्वापर युग में जो भी पढ़ाई चलती है वो देह अभिमान की मिक्स पढ़ाई चलती है या शुद्ध पढ़ाई चलती है? यहाँ तो ज्ञान में चलते चलते मनमत भी तो मिक्स करते हैं। कि शुद्ध ज्ञान में चलते हैं आदि से अंत तक, जितनी मनमत मिक्स करते हैं उतना और धर्मों की शूटिंग कर लेते हैं, दुख की शूटिंग कर लेते हैं। लेकिन दापुर पिता के आधार पर तो दापुर कलयुग का राजा महाराजा रानी आधार पर बनते हैं, लेकिन जो मूल आधार है वो तो उड़ गया। मूल आधार क्या है? अपन को आत्मा समझना। मूल आधार उड़ गया और देहभान का आधार रह गया। तो देह अभिमानी जो राजाएं होते हैं वो राजा ही कोई शिव बाबा देते हैं क्या? वो राजाई किससे मिलती है? देह अभिमानियों के बाप से वो राजाई मिलती है। देह अभिमानी होते हैं मनुष्य, मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, वो विनाशी राजाई मिलती है, विनाशी सुख मिलता है। अविनाशी सुख तो आत्माओं का बाप ही आकर के देते हैं। आदि में सेवग्राम का लास्ट तो खून कर दिया गया, मतलब उसको खून किया है मार के लास्ट तो खून कर दिया गया ना। तो इसमें तो दादा लेगरा जी उसको जो लोगों ने ऐसा किया तो दादा लेगरा जी उन लोगों के साथ में सौदे भी था क्या? अम्मा के ऊपर जब बच्चे हावी हो जाते हैं और बाप का असर नहीं रहता तो बच्चों की चलेगी या अम्मा की चलेगी? बच्चों की चलती। गीता का भगवान कौन है?
कृष्ण भाषा कोई तो लोग बोलते गीता माता का जब पति बच्चा ही पति हो गया तो वो अपन ही चलाएगा ना। और तो दीदी दादी जो भी था सभी उन लोग दादा लेगरा के साथ एक हो गया था। अगर एक नहीं हो गए तो जैसे ही एडवांस नॉलेज का ज्ञान खुलता है वो प्यू की बात बोलना क्यों बंद कर दी? पहले भाषण में बहुत सुनाते थे प्यू की वाणी के बारे में, अभी बिल्कुल नहीं सुनाते। तो उन लोगों ने जो इतना पाप किया है तो इन लोगों को सजा तो मिलेगा? हंगम जुगम तो कम से कम मिलेगा ना। बाप कोई मार डाला जो मुसलमान धर्म के होते हैं उनमें माँ बाप को ज्यादा महत्व देते हैं क्या? औरंगजेब ने क्या किया? कंस ने क्या किया? ये कहाँ की कथा कहानी है? संगम युग की ही बातें हैं। हाथ उठा के बोला करो तो पता चले। हाँ कोस कहते हैं कोई की हत्या कर देना, कन्याओं को गऊए कहा है। गऊओं के लिए भक्ति मार्ग में बुरा मानते हैं कोई हत्या करता है तो, लेकिन मुसलमान लोग कोस घर खोलते हैं गऊओं की हत्या करने के लिए। बाबा मैंने बाप के रूम में वर्षा देते हैं, टीचर के रूम में पढ़ाई पढ़ाते हैं और सदगुरु के रूम में सदगति देते हैं। तो ये सदगुरु का पाठ तो ब्रह्मा से विष्णु बनने का बाद ही शुरू होता है क्या? ना उससे पहले ही होगा? विष्णु के पाठ को सदगुरु नहीं कहेंगे, विष्णु तो संपन्न स्टेज का नाम है जिसमें चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। नहीं तो विष्णु कोई एक आत्मा नहीं है, जो चार भुजाएं चार मददगार विष्णु के दिखाए गए हैं वो चार मददगार आत्माओं को संचालन करने वाली आत्मा कौन? राम की आत्मा। राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा अकेली तो नहीं है, अकेली है तो विष्णु नहीं कही जा सकती। अकेली है तो शिव है, गॉड फादर है क्या? जब प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो जाता है माँ बाप और बच्चे। ये दिलवाड़ा मंदिर में 108 कोठरियां दिखाई है वो परिवार दिखाया है या सिर्फ माँ बाप दिखाए हैं या सिर्फ बाप या माँ दिखाई है? पूरा परिवार दिखाया है, प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। गुरु का पाठ कब से कहा जाएगा, कब से शुरू होगा? टीचर की पढ़ाई पूरी हो फिर सदगुरु का पाठ। सदगुरु नाज नखरे सहन नहीं करता, ऑर्डर इज ऑर्डर। जब गुरु के रूप में सत्य गुरु प्रत्यक्ष हो गया तो गुरु को वाणी चलाने की दरकार है। अभी तो बोला जो बहुत वाणी चलाते हैं बहुत बोलते हैं तो उनको देह अभिमानी कहें या आत्माभिमानी कहें? देह अभिमानी हो गए। हाँ जी बाबा जो प्रिंसेस कोटा मेला है आज 4 साल में बोला बाबा, तो प्रिंसेस कोटा में कुछ कुछ पॉइंट मेरा समझ में नहीं आते बताते बाबा। यहाँ पर दो एक पॉइंट है 31 पॉइंट जो हुआ है उसके अंदर आज सर्विस कैसे की, आज क्या सेवा की, एक कामना से और एक मन का बाचा कर्मना। तो कामना से इसका बेहद तौर किया
कर्मणा कर्मणा कामना नहीं कर्मणा, कर्मेंद्रियों से सेवा की या मनसा से सेवा की या वाचा से सेवा की या तीनों से इकट्ठी सेवा की। दो पॉइंट तो फर्क क्या है? क्या एक है आज सर्विस कैसे की, हाँ दूसरा है आज क्या है सेवा, हाँ ये दो पॉइंट है। उसके ब्रैकेट में आपने बोला कर्मणा बोला, किसी ने सुना देखा है कामना से, तो कर्मणा गलत किसी ने प्रिंट कर दिया है पढ़ लिया है। कर्मणा और ये मनसा वाचा कर्मणा इससे फर्क क्या है? एक ही बात तो है, कर्मणा माने कर्म इंद्रियों से और मनसा माने बाबा की याद में बैठ करके किसी को सर्च लाइट देना, वाइब्रेशन देना। दूसरा बात सर, सर्विस किसने को किया, चौकी का आह्वान किया, हाँ कितनी आत्माओं को संदेश दिया या कितनी आत्माओं को कोर्स दिया या कितनी आत्मा को वाइब्रेशन दिया, ये मतलब चौकी का आह्वान किया है, तो फिर आपका आह्वान क्या? हाँ सवेरे सवेरे उठ के बैठते हैं तो पक्का कर दें आज हम सारा दिन सहन शक्ति का आवाहन करेंगे, तो जो सोच के बैठेंगे वो ही परीक्षा सारा दिन आएगी। आज हम सामना शक्ति का प्रयोग करेंगे तो सारा दिन सामना करने की बातें सामने आवेंगी। आज हम सहयोग शक्ति को धारण करेंगे तो सहयोग देने में अच्छे कार्य में क्या क्या विघ्न आते हैं वो पता चल जाएगा, कितना सफल होते हैं कितना असफल होते हैं वो भी पता चलेगा। और बोला सारा दिन कितना व्यस्त गवाया कितना कमाया, तो व्यस्त गवाया कितना कमाया कैसे व्यस्त में कितना लाभ होता बातों में झरमुई जंगमुई में बातों में समय व्यर्थ कर दिया तो टाइम वेस्ट किया ना, टाइम गवाई दिया। कमाया माने मनन चिंतन कितना किया, दूसरों की सेवा की वो भी कमाई हो गई, चलो दूसरों की सेवा नहीं की अपनी सेवा कितनी की वो भी कमाई है। और खर्चा क्या कितना खर्चा किया, हाँ वो धन का भी खर्चा है संकल्पों का भी खर्चा है समय का भी खर्चा है। और कौन सा स्वरूप में स्थित हुआ, स्वरूप तो सारा दिन देखना है कि हम अव्यक्त स्टेज में ज्यादा रहे, बिंदु की याद में ज्यादा रहे, निराकारी स्टेज ज्यादा रही या मनन चिंतन मंथन में ज्यादा रहे, आकारी स्टेज में रहे या साकार रूप में वाचा से दूसरी आत्माओं को समझाने में ज्यादा लगा रहे। और एक है बाबा सपनों किस प्रकार आए, तो लास्ट नाइट में जो सपनों आता है उसका मनन चिंतन करना, स्वप्न को मनन चिंतन नहीं कहा जाता, स्वप्न को कहा जाता है रात में सो जाते हैं फिर सूक्ष्म शरीर इधर उधर भ्रमण करता है, कभी सुख भोगता है कभी दुख भोगता है, तो जो दुखमय स्वप्न होते हैं उनको तामसी स्वप्न कहेंगे, किस स्वरूप में स्वप्न आए वो लिखना है। जितना याद होता जितना याद है उतना लिख लो। और अक्सर देखा है कि अरे अपने घरों में लक्ष्मी नारायण का मूर्ति रखते हैं लेकिन वाला शिव शंकर का मूर्ति या शिव का मूर्ति गाँव को बाहर में रखते हैं, ऐसा क्यों? लक्ष्मी नारायण मंदिर है प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है, प्रवृत्ति मार्ग जो है वो जंगल में नहीं रहता है नहीं चलता है, प्रवृत्ति मार्ग कहाँ चलेगा, संगठन में चलेगा समूह में चलेगा। और शंकर उसका नाम तो मुसलमानों ने रख दिया खुदा, खुदा माने कोई उसका साथ ना दे तो भी, रविंद्रनाथ क्या कहते थे
टैगोर का नारा क्या था, कोई तेरा साथ न ले तो तू अकेला चलो रे। उन्होंने ये कहाँ से उठाया, ये नारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ से उठाया? संगम युग की यादगार है। बाबा ने जो बोला है, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, आदि में भी ऐसा हुआ और अंत में भी ऐसा होता है। और राम और रावण का राशि एक है क्या, और कृष्ण और कंस का राशि एक है, है क्या? क्यों, वो तो है ही, रा से शुरू होते हैं तो एक ही राशि हो गई। क्रा और कृष्ण और कंस और कर्ण एक ही राशि हो गई। बाबा आज नेताजी का जन्म दिवस है और सारी दुनिया में नेताजी का जो मृत्यु रंश तो उसको लेकर के तोड़फाड़ हो रहा है, और 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत स्वाधीन हुआ, ब्रिटिश लोगों ने भारत को स्वाधीनता दे दिया, लेकिन स्वाधीनता जो जिस शर्त में दिया, जी नेताजी को युद्ध विरोधी घोषणा करके ब्रिटिश लोगों ने भारत को स्वाधीनता दिया, और गांधी जी नेहरू ने वो शर्त मान लिया, तो इसको स्वाधीनता कहेंगे? और बाबा ने बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारत, महाभारी महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा, और महाभारी महाभारत युद्ध सत्य और असत्य का युद्ध है। सत्य के लिए अर्थात धर्म के लिए जान भी देनी पड़े तो देना है, इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। जो सत्य की बात में समझौता कर लेते हैं, अच्छा आधा हम ये मान लेते हैं आधा तुम ये मान लो, तो वो सत्य सत्य नहीं रहता। इसलिए गांधी जी का जो समझौता था वो बंटवारे का था, क्या पाकिस्तान अलग हिंदुस्तान अलग, ये एक बाप की संतान हुए फिर? लेकिन नेहरू जी तो मान लिया था क्या, ये जो जो नेताजी को मतलब युद्ध विरोधी घोषणा किया ब्रिटिश लोगों ने, और अगर नेताजी अगर जीवित भी रहे तो ब्रिटिश के हाथ में उसको सरेंडर करना पड़ेगा। इन बातों से कुछ निकलता नहीं है। अब उनकी उम्र क्या होनी चाहिए वे नेताजी की? इतनी उम्र में आदमी जिंदा रहता है हिंदुस्तानी? शिव बाबा को पता होगा, अरे भारतवासी इतनी उम्र तक जिंदा रहते हैं भारतवासी? हाँ तो वही आत्माएं जिंदा रहती हैं जो अभी लास्ट में उतर रही हैं देवी देवता सनातन धर्म की। तुम्हारी भावना अगर नेताजी में बैठी है गांधी जी में बैठी है तो हम उस भावना को क्यों उतारेंगे? सारी दुनिया में इस बात को लेकर के बहुत कुछ पता है, सारी दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है, साइंस को लेकर के सारी दुनिया पीछे पीछे भाग रही है, तो हम भी पीछे पीछे भागे क्या? शिव बाबा क्यों बोलेगा साइंस के पक्ष में जबकि जानता है साइंस विनाशकारी है? बोर्ड में लिखे थोड़ी जाएगा बाबा का नेता जी बैठा हुआ है, इतना जान लीजिए बाबा जो एडवांस ज्ञान जो एडवांस निकला है तो मनन चिंतन के आधार पर, तो मनन चिंतन करते हैं, मनन चिंतन के आधार पर एडवांस ज्ञान निकलता है। मनन चिंतन मनुष्य करता है या भगवान करता है? मनुष्य के, तो मनुष्य जो करता है वो आधार कहे? अरे वो अपनी बात बोल रहा है, बुद्धि बुद्धि वहीं लगी हुई है। हाँ
हाँ मनन चिंतन मनन चिंतन जो है वो मनुष्य करता है, भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। लेकिन भगवान ने जो महावाक्य बोले हैं ब्रह्मा के तन से, जो महावाक्य बोले हैं वो शिव ने बोले हैं, कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं बोले। लेकिन शिव के जो भी महावाक्य हैं ब्रह्मा के मुख से, उनके ऊपर बुद्धि चले, मन चले, मनन चिंतन मंथन चले, तो वो तो राम बाप करते हैं। हाँ जी, तो वो जो मनन चिंतन का जो जो है वो कि सुप्रीम जो राम बाप को मंजूर करते हैं, तो जो जो कुछ करते हैं राम बाप तो जो कुछ करते हैं तो थोड़े ही राइट उतना ही होगा जितनी एक्यूरेट याद होगी। अगर याद में रह करके मनन चिंतन मंथन किया जाएगा, बीज रूप स्टेज में रह करके मनन चिंतन मंथन किया जाएगा, वो सच्चा होगा। और देह अभिमान में रह करके जितना किया जाएगा वो झूठा होगा। मनुष्यों से प्रभावित होकर के जो मंथन किया जाएगा वो झूठा होगा। चेंज भी अगर होगा तो मुरली के आधार पर चेंज होगा। लेकिन पहले तो पता नहीं था ऐसा ऐसा हुआ। हाँ तो वो मुरली के आधार पर ही माना जाएगा। चेंज जो है वो मुरली के आधार पर चेंज मानेंगे या मनमत के आधार पर कोई चेंज स्वीकार कर लेंगे बस। तो बहुत दान पत्र में आता हूँ, दान पत्र में जाता हूँ। ये बात जिस था पहले तो दान पत्र तो आता हूँ तो इसका मतलब तो पहले तो हमेशा प्रताप पिता का 60 आप हुआ उसमें शिव भगवान आया था, ठीक है। लेकिन बाद में दान पत्र में जाता हूँ तो 36 होगा ना उसका पहले जे 76 होगा वो 36 होगा। 36 में दान पत्र में जो समय जाता हूँ ये जो है जो दान पत्र होगा तब जाएंगे क्या। ये दान पत्र में आता हूँ तो पहले की सिर्फ 7 साल ही उम्र वानप्रस्थ की नहीं मानी जाती। 7 साल से वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। आपने ऐसा समझ लिया कि 7 साल की उम्र ही वानप्रस्थ अवस्था है, 61 साल की वानप्रस्थ नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं है। हाँ जाता माने चाहे 61 हो, 65 हो, 70 हो, उसको वानप्रस्थ ही कहेंगे। हाँ वाणी से परे जब जाएंगे तो वानप्रस्थ अवस्था होगी। वाणी से परे तो 2008 में जाएंगे हैं? 2008 में तो वाणी से परे चले जाएंगे। हाँ जब ज्ञान पूरा हो जाएगा, आत्म की स्थिति पक्की हो जाएगी, ब्राह्मण तो पक्का ब्राह्मण तो क्या बन जाता है, जब देवता बन जाता है, देवता स्वीकार कर लिया जाता है, नारायण का पाठ संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रजापिता प्रत्यक्ष हो जाता है, तो बात खत्म हो जाती। फिर बोल बोल करने की दरकार ही क्या रह गई। राम ही रावण बोलता है तो लास्ट में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबसे जास्ती समुपधान कौन बनेगा। लेकिन बन जाते हैं देवता बन जाते हैं तो कैसे रावण का पाठ हो जाता है कैसे। बाप बोलते हैं बाप विदेशी बन करके आए हैं। क्या बन करके आए हैं, है तो नहीं विदेशी, तो पाठ बजाते हैं ऐसा दिखाते हैं। नहीं तो इतनी जो शक्ति है जिसमें एक से एक तम प्रधान आत्माएं भरी पड़ी है और उनका बहुत भारी हुजूम है, उनका पराभव कौन करेगा। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है तो सिर्फ अच्छे अर्थों में ही बाप है या ब्लैक वे में भी बाप है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या, ये मुरली में क्यों बोला। बाप है तो वो अधिपत्य है, मालिक है। और
देखते हैं तो अंध हो जाता है। हाँ जी, संगम जो योगी आत्मा तो देवगान सब शीतल चलेगा तो उसी टाइम में योगी आत्मा का हाल क्या होगा? अरे छिलका उतर गया फिर थोड़ा ही अंधा होता है। छिलका उतर गया आँखों के ऊपर का छिलका नहीं उतरेगा? जब सर्प के ऊपर का छिलका ही उतर गया तो फिर आँखों के ऊपर जो छिलका होगा, सारे शरीर पर जो छिलका होगा, सारे शरीर का छिलका उतरेगा तो आँखों के ऊपर भी छिलका उतरेगा, फिर वो अंधा कहाँ रह जाएगा? पहले छिलका उतरने से पहले अंधा होता है, माने बहुत ही देह भान बढ़ जाता है। देह भान का छिलका इतना ज्यादा बढ़ जाता है जितना और किसी प्राणी में नहीं होता। बाबा मुरली का आदर्श पर तो बाबा योगी आत्मा को तो देह भान का छिलका उतरेगा तो उसका योगी आत्मा का हाल क्या होगा? अभी शूटिंग हो रही है, शूटिंग में अपने दिल से पूछो कि हम भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं या शिष्टाचार की ओर जा रहे हैं? माया हमको कहाँ लिए जा रही है? इतना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी वृत्ति नीचे जा रही है या ऊपर चढ़ रही है? हैं? ऊपर चढ़ रही है, नीचे जा रही है। इससे साबित होता है देह भान का छिलका बढ़ रहा है क्योंकि शूटिंग का पीरियड चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कोई में छिलका धीरे धीरे चढ़ता है और कोई में छिलका बहुत तेजी से चढ़ता है। जैसे इब्राहिम आता है और इब्राहिम इस्लाम धर्म के नारायण में प्रवेश करता है तो इस्लाम धर्म की जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो द्वापर के आदि में ही तमो प्रधान बन जाती है या धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है? धीरे धीरे बनती है, आज में ही तमो प्रधान बन जाती है। और सूर्यवंशी आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है, आखिरी जन्म में जाकर के पूरी अंधी हो जाती है। हाँ बाबा, जैसे रावण को 10 मास दिखाता है और दुर्गा को 10 मास दिखाता है, मतलब भुजाएं होती हैं मददगार की निशानी क्या? जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, दुर्गा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं तो उनकी भुजाएं उनके मददगारों की निशानी है, परंतु रावण को 10 शीर्ष दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि रावण को भुजाएं तो होती ही हैं, मददगार भी वो तो होते हैं, लेकिन तुंडे तुंडे मतर भिन्ना अलग अलग प्रकार का पंचायती राज्य भी बहुत होता है, अनेक मतें होती हैं, एक की मत न मिले दूसरे से, उसको कहते हैं मंत्रियों का राज्य। राजा तो ऐसे हो जाता है राष्ट्रपति जैसे कठपुतली, दूसरे शब्दों में कहें प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, पंचायती राज्य। तो अंतर समझ में आया कि रावण को सर्व बहुत दिखाते हैं माने अनेक मतों वाला है और राम को एक सर दिखाते हैं। भुजाएं दोनों को बहुत है, ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं लेकिन ब्रह्मा को 5 मुख भी दिखा दिए। और बिहार का नेताजी कौन है? क्या रात भर टीवी देखते रहते क्या? जब त्रिमूर्ति में नरम दल है तो त्रिमूर्ति में गर्म दल भी है। नरम दल की याद है हरा रंग और गर्म दल की याद है लाल रंग।
लाल रंग होता है क्रांतिकारी, तो क्रांति जो है वो चारों तरफ अशांति पैदा कर देती है। संपूर्ण अशांति के बाद, संपूर्ण क्रांति के बाद संपूर्ण शांति होती है। अगर संपूर्ण क्रांति नहीं हुई तो संपूर्ण शांति भी नहीं हो सकती। अति के बाद हमेशा अंत हो जाता है, इसलिए अति से घबराने वाला नहीं होना चाहिए, भाग खड़ा होने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ बाबा, आप तो बोला है ना यूनिट में ये बाबा के बच्चे उसका फैमिलियर है तो खुशी होना चाहिए ना। है मेरा बाप को बच्चे तो उसका फैमिलियर है, फैमिलियर मैंने ऐसी फैमिली से है कि फैमिलियर कोई बात दुख है तो खुशी होना चाहिए ना संबंध के। हाँ तो फैमिलियर में तो बीच बीच में कि बार बार हो जाता है बच्चे को अंदर में आप अपनी भाषा में बंगाली में बोलिए, जो कहना चाहते हैं सही नहीं बोल रहे हैं। तो बच्चे तो बीच बीच में बच्चे तो बार बार हो जाता है बीच बीच में क्यों? आपने बोला है हैप्पी फैमिली है, है? हैप्पी फैमिली है, आनंदित सुखी है, सुख में कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है। माने ये दुखदाम है या सुखदाम है? दुखदाम है तो दुख होना ही है। ये अभी दुखदाम कहेंगे या सुखदाम कहेंगे? दुखदाम है तो बात ही खत्म हो गई। मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? आती है। जब माया मधुबन में भी आती है, बाप के बच्चों में भी प्रवेश कर जाती है, तो फिर एक बाप का बच्चे कहाँ हुए? सब एक जैसे निश्चय बुद्धि हो तो एक बाप के बच्चे हो। हाँ जी क्लियर नहीं हुआ मुझे। अरे उसका भी क्लियर हो जाने दे। हाँ जी मुरली में गांधी जी के बारे में बोला है तो गांधी का पार्ट बेहद में किसके ऊपर लागू होता है? है दादा लेखराज के ऊपर लागू होता है। गांधी राम राज्य चाहते थे लेकिन और ही रावण राज्य हो गया। माने संपूर्ण क्रांति के बगैर संपूर्ण शांति संपूर्ण राम राज्य हो ही नहीं सकता। ऐसे ये तो नरम दल की बात हुई, अब गरम दल का मुखिया कौन? वो लाल रंग दिखाया है। हाँ बाबा, हाँ रामायण में बिंदुमुनि है ना? है बिंदुमुनि है, बिंदुमुनि का मृत्यु हो गया दशरथ द्वारा, तो बिंदुमुनि का ज्ञान करा तो क्या बिंदुमुनि कौन है? क्या बता रहे? दो मुनि होता है बाबू, एक अंधा होता है, एक मुनि होता है, दो मुनि होता है। तो सिंधु मुनि जो मारा गया है किसका बाजार किसके? अंधा मुनि का पुत्र है बाबा। दशरथ जी जब निर्जन में गए थे ना बाबा, है दशरथ जब निर्जन में गए थे शिकार खेलने, हाँ शब्द में जी बाली मार दिया ना, हाँ वो अंधा मुनि का पुत्र जो सिंधु था पानी बनी में गए थे वही उसको पर लग गई वो मर गया। रावण कुमार सिंधु मुनि वेल बोल रहा है वो तो। श्रवण श्रवण ऐसा है मुरलियों में जो बात बाबा ने शास्त्रों की बोली है वो तो शास्त्रों की बात सार वाली बात है। अव्यक्त वाणी में भी जहाँ कहीं शास्त्रों की बातें आ जाती हैं वो भी सार वाली है। क्लैरिफिकेशन में भी सुप्रीम टीचर जहाँ जहाँ शास्त्रों की बातों का उल्लेख करता है
वो भी सार है, बाकी शास्त्रों में सब भूसा है, तो भूसा उठाने में क्यों लगे रहते। आगे चल, भूसा इसलिए है कि अभी ड्रामा पूरा क्लियर नहीं हुआ है, शूटिंग चालू है, जब संपन्न स्टेज पर आखिरी शूटिंग होगी तो जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है सारी बातें क्लियर होने लगेंगी। इसलिए बुद्धि जितना सार वाली हो उतने ही विस्तार में जाए। तो भागवत में, रामायण में, महाभारत में जो भी लिखा हुआ है उसको इस समय तुम टैली कर सकते हो, माना टाइम वेस्ट करना चाहो तो टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ये नहीं डायरेक्शन दिया टैली करो, क्या डायरेक्शन दिया? तुम अपना बुद्धिवाद दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी इसमें जाने में फायदा फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ उन्हीं बातों में है कि हम बाप को याद करें। जैसे कोई माँ होती है बच्चे को याद करती है तो बच्चे की टोटली भाषा याद आती है कि नहीं? बच्चा ऐसे बोलता है, बच्चा ऐसे बोलता है, वो भी तो माँ का प्यार साबित करता है ना। तो ऐसे ही बाबा ने क्या बोला, बाबा जो जो बातें बोलते हैं उन बातों पर विचार सागर मंथन करना, उनकी डिटेल में जाना। हाँ जो सूर्य का घोड़े का सूर्य का रथ में सात घोड़े है, सात नारायण है, उससे सारथी कौन है बाबा? अरे सूर्य जो है वो ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान सूर्य शिव है। सुनो तो, जो ज्ञान सूर्य शिव है उसके सात घोड़े हैं, जो मन बहुत चलाते हैं, माने मनमत चलाने वाले हैं, श्रीमत जैसी मिलती है वैसा चलने वाले नहीं है। तो ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा मनमत चलाती है या ब्रह्मा के बाद आने वाले सात नारायण ज्यादा मनमत चलाते हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मा मनमत चलाता है, वो तो बच्चा है, उसकी मन चलता ही नहीं, वो तो हिमालय है बर्फ से ढका हुआ, बर्फ की तरह बुद्धि जाम है, बच्चा बुद्धि है। हाँ, जो बाकी और सात नारायण है, सात विधर्मी ब्रह्मा बस, वो ऐसे हैं जो मन चलाने वाले हैं, इसलिए वो मन रूपी घोड़ा है। उन मन रूपी घोड़ों को चलाने वाला कौन है? नहीं नहीं, वो तो सूर्य है ना, वो तो सूर्य का रथ है। यहाँ सवाल है सूर्य के रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? शिव बाबा तो सूर्य हो गया, राम बाबा, अरे वही शिव बाबा कहेंगे, राम को ही तो सूर्य कहेंगे। तो उन सातों को चलाने वाला मुखिया कौन, यज्ञ में कौन मुखिया रहा? सातों नारायणों को चलाने वाला मुखिया कौन रहा? वो तो यज्ञ के आदमी ही चला गया, ब्रह्मा बाबा। और लक्ष्मीनारायण, राधा कृष्ण, सीताराम सब सोचे को आगे रखते हैं, लेकिन शंकर, पार्वती, पार्वती लास्ट में। और रोज की मुरलियाँ रोज सुना करो, रोज पढ़ा करो, भाई वही बातें बार बार आती हैं। सीता राम, राधा कृष्ण, इनमें माताओं का नाम पहले है और पुरुष नाम बाद में, क्योंकि ये देवताओं के पार्ट हैं, ये देवताएं हैं, लेकिन शंकर पार्वती देवता नहीं है, उनका टाइटल भगवान भगवती का है, इसलिए भगवान बड़ा या भगवती बड़ी? भगवती छोटी है,
और भगवान बड़ा है, इसलिए शंकर पहले और पार्वती बाद में। देवी देवता जो धर्म स्थापन होता है उसमें बाबा कन्याओं माताओं को आगे रखता है या पुरुषों को आगे रखा है? कन्याओं माताओं को बाबा ने आगे रखा है। अगर देवियों की भर्त्सना होगी, देवियों का मान सम्मान नहीं होगा तो देवता धर्म स्थापन होगा ही नहीं, आसुरी धर्म स्थापन हो जाएगा। जैसे और जो अवतार हैं, जानवरों के अवतार, वो धरणी को आधार मान करके नहीं चलते हैं, कन्याओं माताओं को आधार मान करके नहीं चलते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, अपमान कर देते हैं, इसलिए वो जानवरों के अवतार हैं, विधर्मियों का पोषण करने वाले बन जाते हैं, विधर्म में चले जाते हैं, विपरीत धर्मों में चले जाते हैं। लेकिन रामकृष्ण जो हैं, वो कन्याओं माताओं रूपी धरणी को आधार मान करके चलते हैं, ज्ञान को आधार नहीं मानते। इसको आधार मानते हैं, कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना है। इसलिए जहाँ कन्याओं माताओं की महिमा होती है, उनको आगे रखा जाता है, वहां देवताएं बात करते हैं। देवता धर्म बनता ही है इस आधार पर कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन को हम फॉलो करें। उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, खुद आगे हो गए, कन्या माताओं को पीछे कर दिया, तो आसुरी धर्म के सरपरस्त बनेंगे, देवी देवता धर्म के सरपरस्त नहीं बन सकते। बाबा बाबा बैठे, बाप तो बापी तो है ना, तो बापी तो फिर सबको भागवती देता है और फिर भी जीवोत्री देता है, इसको बाप क्या है? बाप भी तो अतिष्ठ है ना, अतिष्ठ बाप रचेता है। हाँ जी, बाप ही भागवती देता है बच्चे को, बाप ही भागवती देता है, क्या है? बाप बच्चों को भागवती देता है, बेहद का बाप, बेहद का बाप बच्चों को फारकती देता है या हद का बाप देता है? हद के बाप फारकती देते हैं। हाँ, क्यों? बेहद की माताएं नहीं, जो हद की माताएं हैं वो फारकती नहीं देती हैं, है? दुनिया में तो माताएं भी फारकती देती हैं, डाइवोर्स देती हैं, बच्चे भी डाइवोर्स देते हैं, बाप भी डाइवोर्स देते हैं, लेकिन बेहद में, बेहद का बाप बच्चों को कभी फारकती नहीं देता है, न डाइवोर्स देता है, बेहद का बाप, बेहद का बाप डाइवोर्स देता है, फारकती देता है, हद का देता है। क्या है? अब जितना मुरली पढ़ी होगी उतना ही तो बोलेगी माता। हाँ जी बोलो, हद के माँ बाप जो हैं वो बच्चों को फारकती देते हैं या बच्चे माँ बाप को हद के फारकती देते हैं, लेकिन बेहद में सिर्फ बच्चे ही फारकती देते हैं, बाप कभी बच्चों को फारकती नहीं देते हैं, बाप डाइवोर्स भी नहीं देते हैं, बच्चे खुद ही छोड़ करके चले जाते हैं। वो फारकती कैसे देगा? और फारकती देने वाला होता तो 70-71 साल हो गए, इतने बाबा बोलता है कि मेरे को याद करो, ऐसा करो, वैसा करो, और बच्चे सुनते ही नहीं। लौकिक बाप तो इतनी अवहेलना करें तो लात मार के कहां तक कहां पहुंचा देता है। फिर प्यार का सागर कैसे कहा जाएगा? हाँ जी, इसीलिए तो माता तो उल्टा बोल रही है। कोई कोई कन्याएं घर में रहती है, क्लास में आने के लिए मना किया है,
गीता पाठशाला में जाने के लिए तो मना नहीं किया। अरे अरे गीता पाठशाला में जाने के लिए मना किया है क्या? नहीं, बाबा से मिलने के लिए। बाबा की डायरेक्ट, जो बच्चा बाप के डायरेक्शन पर ही नहीं चलता हो तो उसको क्या कहेंगे, निश्चय बुद्धि या निश्चय बुद्धि? बताओ निश्चय बुद्धि हो गया, लिख लिख करके देंगे, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जहाँ बिठाएंगे जहाँ चलाएंगे वहाँ चलेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, कागज पर तो बड़ी आसानी से लिख के दे देंगे। फिर क्षमा है तो कह तो रहे हैं गीता पाठशाला में जाओ, नहीं आएंगे मुआ वाला बच्चा किसको कहते हैं? ऐसा बच्चा तो मरा वाला, ये किसके लिए बोला? आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप अपने पास रखेगा, या अवज्ञाकारी नाफरमान बेवफा बच्चों को अपने पास रखेगा? किसको रखेगा? और उसका कारण तो होगा ना, है कारण तो, अभी तो कारण बता दिया, अवज्ञाकारी हाँ पाँच सौ करोड़ बच्चे हैं, सबको बाप परम धाम ले जाते हैं और सबको घर में रखने के लिए ले जाते हैं, लेकिन दुकान संभालने के लिए कौन से बच्चों को बेचते हैं? जो आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चे होते हैं उनको नई दुकान संभालने के लिए भेजते हैं या सबको भेज देते हैं? फिर ऐसे यहाँ भी है। हाँ बॉम्बा बिजनेस सेंटर कौन सी है? बॉम्बा बिजनेस सेंटर कौन सी है? टुकनिकल हाँ कौन सी सोल? मूर्तियाँ किसकी हैं? मूर्तियाँ साकार की होती हैं या आकार की होती हैं? तो फिर मूर्तियाँ हैं तो जरूर कोई साकार रहे होंगे। तीन आत्माएं हैं जो साकार शरीर भी धारण करती हैं, लेकिन निराकारी स्टेज नहीं इतनी जल्दी बनती है, परंतु आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज धारण कर लेती है, इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी कहे जाते हैं। दादा जी का बोम्बा तो पाठ बजने वाली चीज की सोल है ना, जैसे संतोष तो पाठ बजने वाली चीज है, है? दादा जी का बोम्बा कृष्ण वाली आत्मा स्तनधारी है, है? पाठ बजाने वाले उसके अंदर में जो सिद्धि आत्मा पाठ बजा रहा है। हाँ 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 वही बोल रहे हैं। हाँ माँ का पाठ बजाया राम के अंदर में जो पाठ बजाने वाली वो भी सिद्धि सुन है, लेकिन बाप के रूप में पाठ बजाता है? वो माँ का पार्ट है, ये बाप का पार्ट है। माँ सहन कर लेती है बच्चों का, बाप सहन नहीं करता है। घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई भी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। माँ थोड़ा ही सामना करती है बच्चों का, बच्चे तो सारी दुकान संभालने वाले मालिक बन गए, माँ कैसे मालिक उनका मुकाबला करे? माँ असक्त हो जाती है। तो माँ बाप का कॉम्बाइन रूप है। हाँ जी हाँ हाँ वही बोल रहा है। हाँ जी बिल्कुल है, जो कर्मातीत स्टेज हो जाता है वो लड़ाई की चिंता ही नहीं करता है, कितनी भी लड़ाई होती रहे। जो कर्मातीत स्टेज वाला है वो डरेगा किसी से? वो तो निडर हो जाता है। लड़ाई लड़ते हैं कौन? आसुर लड़ते हैं, वो शक्ति के पक्ष पर अडिग रहता है, दिखता नहीं है। धरत परिये धर्म ने छोड़िए, सत्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, सत्य छोड़ करके भाग जाएंगे।
अरे कर्मातीत अवस्था में ही सत्य की लड़ाई होगी, यह कर्मातीत अवस्था नहीं है, देह अभिमानी है तब सत्य के लिए लड़ाई लड़ सकेगा। लड़ाई सत्य के लिए 100% सत्य लड़ाई कौन लड़ेगा? जो जीते जी मरा हुआ होगा, कर्मातीत होगा, या जो देह अभिमानी होगा वो करेगा लड़ाई? जो जीते जी मरा हुआ होगा वो ही धर्म के लिए मरेगा, सच्चाई के लिए मरेगा। झूठा होगा तो आधा असत्य ग्रहण कर लेगा। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ ऐसा ही हुआ था है? जैसा स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था है, जब ऐसा ही वो मुख्यमंत्री रोड लड़ा था। हाँ जी बाबा, जो कोटि होता है आत्मा भी कोटि होता है, कोटि माना झूठा होता है ना? देव पतित होता है, देह देह सदैव पतित नहीं होती। जब आत्मा पावन होती है तो देह भी पावन होती है, जब आत्मा पतित बनती है तो देह भी पतित बनती है। आत्मा पतित होता है, पतित माना झूठा होता है ना? हैं? पतित माना झूठा होता है। पतित का मतलब ये है ऊपर से नीचे गिरना, ये झूठा। आत्मा कहते हैं मन और बुद्धि को, मन बुद्धि जब ऊपर करती है तो पावन है, और मन बुद्धि जब नीचे जाती है तो पतित है। पतित को झूठा कहा जाता है? बिल्कुल, जो नीचे गिरेगा। तो आत्मा भी झूठा होता है क्या? है? आत्मा भी झूठा होता है। आत्मा? आत्मा भी झूठा होता है। हाँ, पतित अगर नीचे की ओर जा रही है माने धरने की तरफ बुद्धि जा रही है, पांच तत्वों की ओर बुद्धि जा रही है, पांच तत्वों के बने पदार्थों की ओर बुद्धि जा रही है, पांच तत्वों के बने शरीरों की ओर बुद्धि जा रही है, तो पतित है। बाबा बोलते हैं आत्मा को है, आत्मा झूठा नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं बाबा? बोला कि झूठा नहीं होता है, आत्मा कभी झूठा नहीं होता है। आत्मा कभी झूठा नहीं होता है? अच्छा शांत हो जाओ। हाँ पूरी बात बोलो। ये आत्मा सत्य है, बाबा बोल रहे हैं। आत्मा कौन सी सत्य है? परम पिता परमात्मा की आत्मा सदैव सत्य है कि हर आत्मा सत्य है? है? आप एक बात बताइए। एक आत्मा सदा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ है, और बाकी आत्माएं नंबर वार सत्य की स्टेज में रह पाती है। हाँ जी, वो एक है जो सदा शिव है, सदैव सत्य है, और जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है। अगर जितना भी असत्य है परसेंटेज में उतना ये कल्याणकारी बनती है। एक आत्मा ऐसी है आत्माओं के बीच में जो शिव समान कल्याणकारी बन जाती है, फिर कलयुग के अंत में उतनी ही 100% अकल्याणकारी भी बन जाती है। किस लिए? असुरों का संहार करने के लिए अकल्याणकारी बन जाती है। कल्याण कल्याण जो है आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चों का कल्याण है। जिन्होंने आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस ही नहीं की उनके लिए अकल्याण होगा। दो हजार के उपराष्ट्रपति में है, है? पॉइंट है कि भारत पहले गिरते हैं, उनके बाद सब गिरते हैं। फिर बोला भारत ही रिस्पॉन्सिबल है, है? भारत ही रिस्पॉन्सिबल है, है? अपने को गिराने और सबको गिराने। पहले पहले जब द्वापर शुरू होता है तो पहले पहले देह अभिमानी कौन बनता है? अरे मुरली में बता दिया जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता भी वही बनता है, पहला क्षत्रिय भी वही बनता है, पहला वैश्य भी वही बनता है, विशेष भी वही बनता है, और पहला शूद्र भी वही बनता है, और जो पहला शूद्र तो पहला ब्राह्मण भी वही बनता है। ठीक बात तो है, है? हाँ, एक बात में सारी बातों का जवाब आ जाता। पतित दुनिया मेरी है तो पावन दुनिया मेरी नहीं है क्या? पतित दुनिया का भी एक
सरपरस्त और पावन दुनिया का भी एक सरपरस्त, सारी दुनिया का बीज एक ही है, चाहे वो स्वर्ग की दुनिया हो और चाहे नरक की दुनिया हो। किधर से बोल रहे हैं? हाथ उठा दो। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी। परंपरा से एक बात आती है, नारी तीन खाती है। नारी तीन कुल खाती है। तीन कुल नारी तीन कुल खाती है। एक नारी कुल पति कुल। हाँ एक पिता का कुल। हाँ एक पति का कुल और एक बच्चे का कुल। माने ये है कि नारी जब गिरती है तो पति कुल का भी बर्बादी करती और अपने पुता पिता की भी बर्बादी करती, ग्लानी कर देती है, और जो बाल बच्चे हैं उनमें भी वो ग्लानी चली जाती है। एक स्त्री अगर व्यभिचारिणी बन जाए तो जिस बाप से पैदा हुई उस बाप के कुल की भी बदनामी हो जाती, और जिस पति को उसने वरण किया है उसके कुल की भी बदनामी हो जाती, और जो उसके बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे जहाँ कहीं भी जाएंगे समाज के लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, ये पता नहीं कौन से बाप का बच्चा है। और गवार जो जीते जी भरेंगे नई दुनिया में नया नाम आएगा, इसका नई जो नया नाम क्या 4.5 लाख आत्मा जीते जी मरेंगे, ठीक है, तो नया नाम क्या आएगा, वो नया नाम बाप दादा देंगे क्या? बाप दादा बच्चों के पार्ट नहीं खोलते, बच्चे अपनी चलन से अपनी दृष्टि से अपनी वृत्ति से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप दादा एक एक का पार्ट नहीं खोलते हैं। कोई भी नाम तो अभी जैसे अष्टदेव का दूसरा मन का है उसका तो नाम दिया है। कहाँ दिया है? किसी मुरली में नाम दिया है? अगस्तवाणी में क्या नाम है? योगिनी कौन है बताओ? काशी कौन है? माने बाप ने इशारे दिए हैं, बाप दादा जो हैं वो इशारे देते हैं, इशारों को असुर नहीं समझेंगे, जो देव आत्माएं हैं वो इशारों को समझ लेंगी। मंजुली का नाम लिया है? हाँ हाँ, जो सीधा नाम कहीं नहीं लिया है, सीधा नाम कहीं अव्यक्तवाणी में नहीं लिया है और सीधा नाम कहीं मुरली में नहीं लिया है, जो क्लैरिफिकेशन है टीचर का जो क्लैरिफिकेशन है उसमें भी ये एक मिसाल दिया है कि फलों का राजा होता है आम, और आम का जो फूल होता है उसको कहते हैं मंजरी। जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं में जितने भी फल हुए हैं राजा रूपी उन फलों में सबसे श्रेष्ठ फल है आम्र, जो ज्ञान में आए और आते ही मर जाए, आम्र आ और मर है। हाँ तो फलों की रानी भी ऐसी होनी चाहिए जो आए और मरे, माना मंजरी उसका नाम कहते हैं संस्कृत में। आम का जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं? मंजरी,
जिसने अपने मन को जला दिया।